तो 14 तारीख की सुबह में वहां कौन था? आपने देखा होगा इंडिया टीवी पे। ये स्मिता पारिक कहती है, उससे ये सवाल किया गया कि क्या आप संदीप सिंह को जानते हैं? तो ये क्या कहती है कि जब मैंने नौकरों से पूछा, जब मैंने उसको देखा सुशांत सिंह के फ्लैट पे, तो संदीप सिंह के बारे में कह रही है, तो मैंने नौकरों से पूछा कि ये बंदा कौन है, तो नौकरों ने बताया कि हम इसे नहीं जानते हैं, ये अपने आप हमें ऑर्डर दे रहा। तो ये नौकर में से तो एक तो पहले ही बता चुका है कि सर की जो फ्रेंड थी वो वहां मौजूद थी, दरवाजा खटखटा रही थी, तो दरवाजा तो खटखटाया नहीं गया, सीधा तोड़ दिया गया दिखाने के लिए कि सुशांत अंदर से बंदा झूठ। और अब ये खुद कह रही है कि खून के तालाब में लथपथ सुशांत सिंह की डेड बॉडी को देख करके इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। ये दूसरी गवाही है इसकी खुद की। तीसरी गवाही जो है वो भी इसकी खुद की है, इंडिया टीवी पे कहती है कि मैंने नौकरों से पूछा तो उस समय वहां संदीप सिंह प्रेजेंट था। ये संदीप सिंह टुच्चा, ये क्रिमिनल के गैंग का एक गैंगस्टर है, इसने मीडिया में बताया कि वो ऊपर फ्लैट में गया ही नहीं था, फिर बोला गया था, कमरे में नहीं गया था। ये 13 को 14 को बहुत एक्टिव रहा है स्मिता पारिक के तरह, और आयशा खान और उसका मर्द जिसने आज तक अपना नाम नहीं बताया और न बताएगा, ये चेजिंग ड्रीम और भारत डिफेंस हिंदी, ये दोनों ISI के एजेंट के लिए भाड़े पे काम करने वाले हथियारों का चैनल है, और आप इसको इसका बहिष्कार करके इसको देखना बंद करिए और करवाइए, ये आपका कर्तव्य है। अगर सुशांत सिंह के लिए कोई आप लोगों को कोई भी संवेदना है, कोई भी सेंसिटिविटी है, तो नहीं तो इनको अपनी वीडियो बना के बेचने दीजिए। तो 14 की सुबह में और 13 की रात में ये लोग थे, और बाकी जो हायर प्रोफेशनल थे किलर्स स्टंगन के साथ, वो गैंग तो वहां पे तैनात ही था, और मिनटों में पहले उसको असल्ट करके फिर स्टंगन लगा के फिर दनादन उसका गला को रॉड से दबा के और उसकी 2-4 सांसें जो चल रही थी उसको भी बंद करा दिया। सुरजीत सिंह राठौर का कहना है कि उसकी गले की हड्डी कड़कड़ा गई उसको स्ट्रेंगुलेट करने के टाइम में, उसके गले दबाने के टाइम में। तो आप सोच सकते हैं कितने लोग वहां थे, और उसका कहना है कि रिया चक्रवर्ती भी 13 की रात में उस फ्लैट में थी। तो हमें CBI से ये आंसर CBI से चाहिए, क्योंकि हम लोग CBI बन नहीं सकते और हमें CBI बनने का ढोंग भी नहीं करना चाहिए। जो सच्चाई सामने दिख रही है उसको उजागर करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन कातिलों का लिस्ट बनाना ये काम CBI का है। आप देख रहे हैं किस तरह से रिया चक्रवर्ती और उसका भाई दोनों बाहर छलांग लगा के आ गए, मनसिंदे नाम का वकील दोनों को बाहर लेके आ गया, जबकि इनकी टेलीफोनिक टॉकिंग है ड्रग ट्रैफिकिंग में एक्टिव पार्ट करने का, और इन लोगों ने एडमिट भी किया है, लेकिन एडमिशन कोर्ट के सामने वैलिड है, कोर्ट के पीछे का एडमिशन वैलिड नहीं है, ये बात सही है कानून में। लेकिन फोन पे तो जो बातचीत जो डीलिंग हुई है, और जो गवाही तो इसके भाई ने गवाही दी है कि मैं अपनी बहन के लिए ड्रग ट्रैफिकिंग करता था, बहन कहती है सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग ट्रैफिकिंग करती थी, और ड्रग पेडलर जो है मेन सोर्स ऑफ ड्रग, उसने सारे अकाउंट दिखाए हैं, पेमेंट हुई है रिया चक्रवर्ती को गाइड करने के लिए। स्मिता पारिक नाम की एक राक्षसी औरत, चालाक औरत, चालू औरत मिली हुई थी, उसने सुशांत सिंह के अकाउंट से पेमेंट किए हैं या करवाए हैं जैसा कि कहा जाता है, अपने आप को बचा के रखने के लिए। तो सुशांत सिंह को मारने में कितने लोगों का हाथ है, कितने लोग पकड़े जाएंगे, कितने लोग अरेस्ट हो जाएंगे, कितने के ऊपर मुकदमा चलेगा, अभी इसका कोई नामो निशान नहीं है, दूर दूर तक कोई उसका अता पता नहीं है। जो लोग क्लेम कर रहे हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ऐसा क्लेम नहीं करती हूँ। जिस तरह आप धैर्य से साथ से उत्साह से लगे हुए, मैं भी लगी हुई, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलेगा, चाहे रो के मिले या हंस के मिले, चाहे जस्टिस कोई रो के दे या हंस के दे। और मैं बताती हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिए हैं 3 सुशांत सिंह के फादर को, वो आप लोगों का जो उत्साह, जो आप लोगों का विद्रोह, जो आप लोगों का प्रोटेस्ट इतने मास स्केल में, इतनी बड़ी तादाद में जो हुआ है, उससे पूरा वर्ल्ड वाकिफ हुआ है, और एक बहुत बड़ा कारण है सुशांत सिंह राजपूत को जो 3 रिलीफ मिले, जिसमें CBI को डेलीगेट करने का सबसे पहला रिलीफ है। और
रिया चक्रवर्ती का जो पिटीशन को डिसमिस किया गया, जिसमें कि वो केस को एफआईआर को पटना से बॉम्बे ले जाने मांगती थी, उसको डिसमिस किया गया। मान सिंधे जी का ये क्लेम धरा ही रह गया और पटना का जुरिसडिक्शन को अपहेल्ड कर दिया गया। ट्रायल पटना में चलेगा, अपील पटना हाईकोर्ट में जाएगी और फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट पास करेगी। और आप लोगों का उत्साह से ट्रायल कोर्ट, सीबीआई कोर्ट जो है, और हाईकोर्ट, सारे हाईकोर्ट हिंदुस्तान के, मैं कहती हूँ पूरे वर्ल्ड के जानते हो, ये इतना बड़ा न्यूज़, इतना बड़ा न्यूज़ बहुत कम, वर्ल्ड न्यूज़ बहुत कम बना है। और सुप्रीम कोर्ट सभी जानते हैं क्या हुआ है सुशांत सिंह के साथ। तो जस्टिस मिलेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट कितना भी करप्ट क्यों ना हो गया हो, चाहे हाईकोर्ट के 90% जजेस करप्ट क्यों नहीं हो गए, चाहे ट्रायल कोर्ट में कितनी करप्शन, ये सीनियर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ट्रायल कोर्ट के जजेस को करप्शन करवाते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, और उसका मेरे पास सबूत रिकॉर्ड में है, इसलिए मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। मैं इनका कच्चा चिट्ठा लेकर के बैठी हूं, और जिस दिन मुझे चैलेंज कोई करेगा सारे चिट्ठी खोल दिए जाएंगे। इतनी शर्मनाक हालत है इंडियन जुडिशियरी की, लेकिन उसी में परमात्मा प्रकट होके, सुप्रीम कोर्ट में प्रकट होके जस्टिस दिया है और आगे भी जस्टिस मिलेगी। हमें जस्टिस चाहिए और हम लेके रहेंगे, और आप लोग इसी उम्मीद में डटे रहिए। तब तक के लिए आपको नमस्कार है, अगले वीडियो में।